ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही ब्लेसिंग्स चैनल पर, जहाँ परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स और हर दिन हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं, और कैसे हम अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाएं, और हम कैसे अपने जीवन के इस संघर्ष वाले जीवन को हम संघर्ष हटा करके उसमें सफलता मूर्त बनाएं उसको। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, दुख को सुख में और गलानी मतलब कोई बेइज्जती करे को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भवा। करें कैसे, समझेंगे इसको। अब परमात्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले। चलो ठीक है, हमने ज्ञान मिल गया, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन गए, हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी ऊंची आवाज में नहीं बोलते हैं, किसी की बुराइयां नहीं देखते हैं, किसी की गलतियों के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, चुगली नहीं करते हैं, और हम चिल्ला के नहीं बोलते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो तो नहीं करते, लेकिन कोई अगर आपके साथ करे तो आप दुख ले लेते हो। उसको ठीक करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ करनी ज़रूरी है वो है कि हमें स्वमान में रहना बहुत ज़रूरी है। स्वमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी इंसान की जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, खुद को वो रिस्पेक्ट देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब किसी और ने दी हुई रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ मतलब सेल्फ ने सेल्फ को अपने आप को रिस्पेक्ट दी है, जो कि हम स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट को कहते हैं। तो मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर दिखने में हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं गोरा हूँ, या ये हूँ, ये चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिजिकल रिस्पेक्ट हो गई। या मैं बड़ी कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरी पोजीशन बहुत ऊंची है, मैं फलाने को जानता हूँ, इस इंसान को जानता हूँ, मेरे पास में ये पहुँच है, ये है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुई, झूठी रिस्पेक्ट हुई, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगी। है सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्ची रिस्पेक्ट है आत्मा को रिस्पेक्ट देना कि मेरे मन बुद्धि शक्तिशाली हैं, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, जो भी सिचुएशन है उसको फेस कर सकता हूँ, गुणों के साथ में, नम्रता के साथ में, धैर्यता के साथ में, पवित्रता के साथ में, सादगी के साथ में, मधुरता के साथ में, स्वीटनेस के साथ में। तो ये सारी चीज़ें होगी मेरी शक्तियाँ, मेरे गुण, इसको कहते हैं हम शक्तिशाली आत्मा हैं। तो ऐसे हो गए स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट देने वाले स्वमान। इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हर दिन यूज़ करते हैं, तो आस्ते आस्ते आत्मा के अंदर ताकत बढ़ती जाती है। और मेडिटेशन से स्पेशली आप मेडिटेट करते हैं, सर्वशक्तिवान से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर परमात्मा वो शक्तियाँ भर देते हैं, आपके पुराने जो पाप हैं उसको ख़त्म करना शुरू करते हैं, आपके अंदर प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति भरते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दुख लेने की जो पहले आदत थी वो कम होती जाती है, और ना ही हम दुख देते हैं और ना ही हम दुख लेते हैं, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करें। कोई अगर आप कुछ को कुछ कहता है, और अगर आपको कर्मों का ज्ञान है, तो आप बोलेंगे ठीक है, मैंने कुछ किया होगा गलत, तो इस आत्मा ने मुझे वो फिर से दिया जो मैंने गलत की, जो मैंने एनर्जीज को दी थी पिछले जन्म में या पिछले कुछ सालों पहले, इस आत्मा ने मुझे वो एनर्जी दी, चाहे वो बोल करके आपने दी हो, चाहे अपने कर्मों के द्वारा करके दी हो, जो भी तरीके से हमने जो दिया है वो हमारे पास वापस आएगा। जब वापस आता है तो हम क्यों रोते हैं, क्योंकि जो हमने बोया था वही तो वापस आया। गलत इन्वेस्टमेंट करी, पैसे गए, तो फिर रोते क्यों है, गलत इन्वेस्टमेंट करी तो गलत इन्वेस्टमेंट करी। कर्म भी एक गलत इन्वेस्टमेंट है, हमने गलत कर्म करके गलत इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसका रिटर्न हमें नेगेटिव ही मिलेगा, चाहे हमने कभी किया हो, याद हो चाहे ना हो, पिछले जन्मों का नहीं याद होता है। लेकिन जब वो आता है हमारे पास में, तो हमें कहना चाहिए ओके, मेरा एक हिसाब किताब तो चुक हुआ, मैं आत्मा हल्का हो गया, हल्की हो गई हूँ, अब मैं फिर से नया कर्म करूँ, न्यू इन्वेस्टमेंट करूँ। लेकिन इस बारी मुझे इन्वेस्टमेंट गुणों के द्वारा, शक्ति के द्वारा और परमात्मा के दिए हुए मार्गदर्शन द्वारा करना है, ना कि अपने मन से। तो परमात्मा कहते हैं, गलानी को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। कोई अगर आपकी बेइज्जती करे, उसको आप प्रशंसा समझो तो कहेंगे पुण्य आत्मा। आप कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप उसको प्रशंसा कैसे समझ सकते हो। जो कहा जाता है कि जो आपकी गलानी करे, जो आपकी बेइज्जती करे, उसको आप मित्र बनाओ, और जो आपकी बहुत वाह वाह करे इस कलयुग में स्पेशली, उससे थोड़ा सा संभल के रहो। तो जो गलानी करता है वो इंसान आपकी कमी कमजोरी बड़ा बताता है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो इसने मुझे मेरी कमजोरी कमजोरी बताई, मैं अगर इस चीज़ को परिवर्तन कर लूँ तो मैं कंप्लीट बन जाऊँगा। ये एटीट्यूड है, इसको कहते हैं एटीट्यूड कहो या वृत्ति कहो। यह पाठ सदा पक्के रहे कि गलानी देने वाली वह दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, परमात्मा के हम बच्चे हैं, परमात्मा रहम दिल है, तो वो गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर हम किसी से बदला लें, कहते हैं कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आप बदला लेंगे, लेकिन अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं
तो आप माफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप एक समझदार विवेकशील व्यक्ति हैं तो आप उसको नज़रअंदाज करके उस आत्मा के प्रति आप दुआएं और शुभ भावना शुभकामनाएं रखेंगे। तो आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी हैं? अगर आप सबसे पहली कैटेगरी हैं तो आपको अपने आप को परिवर्तन करके आपको लास्ट कैटेगरी तक आने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा वो आप ब्रह्मा कुमारी में सीख सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, गलानी की दृष्टि से नहीं, ये नहीं सोचना कि बेइज्जती करी उसने मेरी, वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा, बिकॉज किसी ने पिछले जन्मों के कर्मों को आपके ऊपर उतारा है, बोझ उसने उतारा है, वो हल्का हुआ है, आप उसको फिर से गाली करके फिर से गलत बोल के भारी मत करिए। आपको तो उसके ऊपर फूल चढ़ाने चाहिए कि अरे तुमने मेरे ऊपर गाली करी, मेरे पिछले पापों का कर्मों का खत्म हो गया, तुमने मेरी बेइज्जती करी, औरों के सामने चिल्ला दिया, औरों के सामने बुरा कह दिया, मेरे पिछले जन्मों का मेरा हिसाब किताब खत्म हुआ, आओ मैं तुम्हें फूल चढ़ाऊँ, फूल मतलब माला खरीद के नहीं डाल देना है, फूल चढ़ाऊँ मतलब मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूं, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे ऊपर कांटे चुभोए थे, वो तुमने मुझे चुभोने की कोशिश करी, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि मैं फिर से कांटे चुभूंगी वापस आत्मा, तो मुझे फिर से कांटे मिलेंगे, अब मैं तुम्हें फूल चढ़ाऊँ मतलब तुम्हारी मैं महिमा करूँ, तुम्हारे बारे में मैं शुभ भावना रखूँ, तुम्हारे बारे में शुभकामना रखूँ, ताकि मेरा फिर से अकाउंट नेगेटिव ना हो जाए कर्मों का। कितनी सुंदर बात कही परमात्मा ने, बस इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। उसके लिए आपको सदा योगी रहना है ताकि ये भूल ना जाए, कोई अगर चलाने शुरू हो जाए और आप बाबा से डिस्कनेक्टेड हो, मेडिटेशन नहीं करी हुई है, तो वो बात चुप जाएगी, लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियस हो, आत्माभिमान में हो और परमात्मा की याद में हो, तो आप अटेंशन में आ जाओगे जब भी कोई आपको कुछ कहेगा, क्योंकि आप सोल कॉन्शियस हो। यही तो प्रैक्टिस है, दिन भर अपने आप को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना। करें कैसे? इसके लिए आप ब्रह्म कुमारी में आकर के सीखेगा। इसके साथ ओम शांति।